तो यार अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दरअसल मुझे कोई तीन चार बातें करनी थी अबाउट माय लास्ट इंस्टाग्राम स्टोरी, जो कि आप लोगों को बताना ज़रूरी थी और इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से सब तक पहुंचाना ज़रूरी थी। तो मैं इसलिए हाज़िर हुआ हूँ वापसी इस वीडियो के साथ। आज कोई व्लॉग नहीं होगा, लेकिन ये वीडियो ज़रूरी थी इसलिए बनानी पड़ेगी। तो यार मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जब फोटोग्राफी का, जो मेरा मेन पैशन है, तो वो तो यहाँ पे लिंक आ रहा होगा ऊपर, वो भी तुम लोग ज़रूर चेक करो। तो यार मसला आखिर है क्या, मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ आखिर इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर, ऐसा क्या हुआ जो आई एम मेकिंग अ वीडियो इज़ दिस। तो यार आज से कुछ दिन पहले मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई थी, तो यार बात कुछ ऐसी थी कि मैंने एक स्टोरी लगाई थी कि कुछ काफ़ी टाइम से मेरे साथ एक मसला आ रहा था, वो ये कि लोग फॉलो करते हैं, मतलब दे आर आर्टिस्ट, अपना फोटोग्राफी अकाउंट से मुझे फॉलो करते हैं, उसके बाद जब मैं उनको फॉलो बैक करता हूँ, ऑब्वियसली दे आर आर्टिस्ट, मुझे अच्छा लगता है कि यार दूसरों को भी काम देखूँ, ऑब्वियसली मुझे खुशी होती है कि यार दे आर मैनी आर्टिस्ट लाइक मी जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि अपना काम लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो मुझे पसंद, खुद पसंद है कि मुझे अच्छे लोगों के डिफरेंट पिक्चर्स देखने में मज़ा आता है, मुझे आइडियाज़ मिलते हैं यार अच्छा इस तरीके से नहीं, इस तरीके से पिक्चर्स बनाई जा सकती हैं। तो मैं जब भी उन्हें फॉलो बैक करता हूँ तो वो क्या करते हैं कि आफ़्टर 2 or 3 days वो ऑटोमेटिकली अनफॉलो कर देते हैं, और उसके बाद मतलब मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ बट दे आर अनफॉलोइंग मी। वो अपनी फॉलोइंग तो बढ़ाना नहीं चाहते, मतलब वो नहीं चाहते कि वो उनकी फॉलोइंग बढ़े, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके फॉलोअर्स बढ़ते जाएँ। तो यार अगर आप लोग किसी दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। और फिर इसके बाद मैंने एक, मतलब स्टोरी के बाद मैंने एक पोल लगाया कि इफ़ यू एग्री विद मी और नॉट, तकरीबन 100% लोगों ने मुझसे एग्री किया कि यार काफ़ी सारे लोग यही करते हैं, मतलब वो फॉलो करके मतलब 1 से 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर अनफॉलो कर देते हैं फ़ौरन से, ताकि उनकी फॉलोइंग बढ़ती भी ना नज़र आए, बस उनको फॉलोअर्स मिले। यार मैंने कहना सिर्फ ये है कि हम ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो यार अगर एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब तुम लोग अपनी फॉलोइंग्स बढ़ाना नहीं चाहते लेकिन तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास फॉलोअर्स हों, यार फॉलोअर्स क्या, देर आर जस्ट नंबर्स। अभी से हम क्यों नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं, अभी से हम अगर नंबर्स के पीछे भागेंगे तो हम सारी ज़िंदगी नंबर्स के पीछे ही भागते रहेंगे। यार हमें करना क्या है कि यार हमें नंबर्स से पहले अपना कंटेंट अच्छा करना है, मतलब आप अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते जाओ यार बिना इस चीज़ के कि कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं। अगर आपका काम अच्छा है ना तो यार यकीन करो लोग आपको फॉलो करेंगे। तो ये चीज़ आजकल नहीं हो रही, आजकल बस लोग नंबर्स के पीछे चेजिंग कर रहे हैं, इतने हज़ार हो जाएँ, 10,000 के हो जाएँ, 1 million हो जाए, बस लोग भाग रहे हैं, रेस लगा रहे हैं उससे। तो यार रेस नहीं लगानी हमने, हम किससे रेस लगा रहे हैं, हमें तो अपनी तस्वीरें लोगों को दिखानी है, और हम आपस में ही रेस लगाने में लग गए हैं कि यार बस रेस कर रहे हैं एक दूसरे से कि मेरे उससे ज़्यादा हो जाए, मेरे उससे ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाए, और हमें, हम खुद किसी को फॉलो नहीं करेंगे। अगर आप किसी को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या आपको लगता है कि कोई दूसरा आपको क्यों फॉलो करेगा। इफ़ यू आर नॉट सपोर्टिंग एनी वन तो आप क्यों ये चीज़ सोच रहे हैं कि कोई आपको आके सपोर्ट करेगा, आपको भी कोई नहीं सपोर्ट करेगा। अगर आप 3 दिन बाद किसी को अनफॉलो करें तो आपको कोई 1 महीने बाद ज़रूर अनफॉलो कर देगा, क्योंकि यार पता सबको होता है, आजकल ऐप्स इतनी ज़्यादा आ गई तो हर किसी को ये तो पता होता है कि यार कौन अनफॉलो कर रहा है, कौन फॉलो कर रहा है। तो यार मेरी जो वीडियो बनाने का असल मकसद यही था, ताकि मैं उन्हें बता सकूं कि यार स्टॉप चेजिंग नंबर्स, नंबर्स को चेज ना करो, अपने काम को बस पोस्ट कर दो यार, अपनी तस्वीरों को पोस्ट कर दो, लोग देख के खुद ब खुद ही फॉलो भी करते हैं यार। तो यार बस मैं सिर्फ यही आप लोगों से कहूँगा कि एक दूसरे को सिर्फ सपोर्ट करो यार, अपनी फोटोग्राफी कम्युनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग करो, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। जैसे मतलब हम अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे तो कोई भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहा। सो हमें अपनी फोटोग्राफी कम्युनिटी, अगर पाकिस्तान की सिर्फ बात की जाए जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है यार, पाकिस्तान के अंदर बहुत खूबसूरत जगहें हैं, लोग कैप्चर करते हैं, लोग डालते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, लेकिन बस वही नंबर्स की गेम्स के अंदर लोग पीछे रह जाते हैं यार, हमें लाइक नहीं आ रहे हैं। अक्सर ये लाइक्स ही इंसान को डिमोटिवेट कर भी कर देते हैं यार। और एक और 2-3 चीज़ें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यार एक दो लोग मुझसे कह रहे थे कि यार अगर हमें फ़ोटोग्राफी स्टार्ट करनी है तो हम क्या करें, तो यार आपसे मैं यही कहूँगा कि भाई बस अपना फ़ोन उठा के तस्वीर लो। हाँ, जिन 2 चीज़ों का ख्याल रखना है वो ये कि एक आपकी कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए फ़ोटो की, और एक आपकी जो है वो एंगल्स ठीक होने चाहिए, मतलब जो चीज़ आप दिखाना चाह रहे हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट एंगल के ऊपर हो। हाँ, थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि हम सब प्रोफेशनल्स नहीं हैं, हम अभी सीख रहे हैं, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत तो चलता है, लेकिन ये ना हो कि आप दिखाना आसमान चाह रहे हो तो आधी से ज़्यादा उसमें ज़मीन आ रही, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और इन दी एंड इस वीडियो में बस मैं इतना ही कहूँगा तमाम देखने वालों से कि यार एक दूसरे को सपोर्ट करो, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है, अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ना हम कहीं आगे पहुँच सकेंगे और ना कुछ और। तो बस स्टॉप चेजिंग नंबर यार, और पीस, मेरी किसी से लड़ाई नहीं है, मैं किसी को पर्सनली टॉन्ट नहीं कर रहा,
कि भाई आप लोग फॉलो अनफॉलो कर रहे हो, लेकिन जो लोग कर रहे हैं वो ये ना करें, सपोर्ट करें एक दूसरे को, सपोर्ट करें बस। और हाँ, सपोर्ट करोगे ही तो सपोर्ट मिलेगी, अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो यार पता सबको होता है, फिर मत कहना कि अनफॉलो कर दिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।